यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज हम करने वाले हैं स्किन फेड हेयर कटिंग। तो भाई वीडियो को ध्यान से देखना कैसे करते हैं, और भाई स्किप मत करना, अगर भाई स्किप करोगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो भाई स्टेप बाय स्टेप बताएं कैसे करनी है। तो भाई अभी तो देख लो बाल कुछ ऐसे हैं, तो भाई अभी हम करेंगे स्किन फेड कटिंग, ठीक है। तो भाई अभी चिमटी लगा लेते हैं, इस तरफ लेके आओ। तो भाई अभी यहाँ पर हम मांग निकाल लेंगे इसकी। भाई मांग एकदम सूखी होनी चाहिए। तो भाई एकदम सीधी मांग होनी चाहिए, तभी जो है अच्छे से कटिंग होगी। बालों को भाई अच्छे से रोकना है ताकि भाई कटिंग करे तो बाद में जो है बाल ऊपर नीचे ना हो। तो अभी इस तरफ लगाते हैं, इस तरफ भी जैसे हमने परली तरफ मांग निकाल लिया भाई उसी तरीके से मांग निकाल लेंगे ऐसे। और भाई जो बंदे नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई कटिंग की शेविंग की स्क्रब वगैरह की वीडियो आती रहती हैं, सभी ट्यूटोरियल वीडियो आती है भाई जो बंदे बिगनर हैं उनके लिए। तो एक मैं पीछे लगाऊंगा। ऐसे भाई ऐसे अच्छे से मांग निकाल लेनी है। तो भाई अभी हम यहाँ से लेके यहाँ तक जीरो कट लगा लेंगे, यहाँ तक भी हमें जीरो रखनी है भाई, यहाँ तक हम कट लगा लेंगे। अगर हमें ऊपर तक रखना है तो ऊपर लगा लेंगे, नीचे तक रखना है तो नीचे लगा लेंगे। तो अभी मैं मीडियम में लगा रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे गोलाई में लगाना है भाई। ऐसे और जो है उगली तरफ भी हम ऐसे लगा लेंगे, यहाँ से लेके इस तरफ तक। तो भी भाई जो ये नीचे के बाल है भाई इनको हम साफ कर लेंगे जीरो से। जैसे मैंने यहाँ से साफ किया ऐसे चारों तरफ से कर लेंगे हम। जीरो लगा दिया, और भाई जो पिछली वाली वीडियो है उसमें मैंने कंघे से मिलाई करनी सिखाई थी, तो अभी भाई मशीन के कंघे से मिलाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी मैंने लिया 2 नंबर का कंघा, तो अभी 2 नंबर के कंघे को हम जैसे यहाँ पे तो 1 नंबर लगेगी, यहाँ पे आधा नंबर लगेगी, ऊपर 2 नंबर लगेगी।
तो अभी मैं यहाँ पे दो नंबर लगा लेता हूँ। मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि भाई मशीन को ऐसे नहीं चलाना, हमको ऐसे चलाना है, ऐसे स्लोप में ऐसे। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है बाल छोड़ रहा हूँ और भाई नीचे की तरफ जो है मिलाई होगी, ठीक है, ऊपर जो है स्लोप बनेगा। तो ऐसे ही मैं चारों तरफ करती हूँ। हमने बड़ा नंबर पहले इसलिए लगाया था कि बाद में हम जब छोटा नंबर लगाएंगे तो उससे अच्छे से मिलाई हो जाएगी, वरना भाई पहले एक नंबर फिर दो नंबर भी लगा सकते थे लेकिन उससे अच्छे से मिलाई नहीं होगी, तो इसलिए पहले बड़ा नंबर लगाना पड़ता है तब मिलाई अच्छे से होगी। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया दो नंबर नीचे की तरफ, अभी लगाएंगे एक नंबर और आधा नंबर। ले लिया एक नंबर और अभी इसको लगाएंगे। जैसे यहाँ तक तो दो नंबर है तो भाई इसके आगे तक हम एक नंबर लगाएंगे। अच्छे से बाइट जितना ज़्यादा टाइम दोगे कटिंग को उतनी अच्छे से कटिंग होगी। तो अभी मैंने यहाँ पर एक नंबर लगा दिया, ऊपर दो नंबर हो गई है और ये तीन नंबर हो गई है, ठीक है। अभी यहाँ से इसका ऐसे स्लोप बन चुका है, ठीक है, वो भी पूरी तरफ भी लगाऊंगा। अभी तो जो है यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी तो भाई वहाँ पर आधा नंबर लगेगा तब इसकी अच्छे से मिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे ही हमें मिलाई करनी है। मशीन को भाई स्लोप में चलाना है उठा उठा के, अगर भाई सीधी चलाओगे तो पूरी कटिंग खराब हो जाएगी एक मिनट में। तो अभी भाई जैसे ये जीरो है तो भाई इसका जो क्लच है उसको हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे नीचे की तरफ, तो भाई ये आधा नंबर हो जाएगा। तो भाई अभी हम इसकी जो है अच्छे से मिलाई करनी है स्लोप में चला के मशीन को। तो अभी ध्यान से देखना कैसे। मतलब हमें जो ये कट है इस कट पर ही चलाना है, हमें ये सिर्फ ये कट मिटाना है ताकि भाई ऊपर की जो मिलाई है वो अच्छे से चमकने लग जाए। तो अभी देखो यहाँ पर जो कट था वो कट मिट चुका है और अभी भाई जो मिलाई आएगी वो यहाँ पर जीरो की मिलाई आती है। अब ऐसे ही हम चारों तरफ कर देंगे मशीन को, ऐसे हल्का हल्का चला के।
तो अभी भाई देखो कुछ ऐसा लुक आ रहा है, मतलब मिलाई अच्छे से हो चुकी है अब। तो अभी जो ये ऊपर के बाल है भाई, इनमें हम थोड़ी थोड़ी कैंची मार देंगे ताकि भाई जो ज़्यादा बाल है उनको बराबर हो जाए वो, ठीक है। और भाई वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक है, थ्रेडिंग किसी को थ्रेडिंग सीखनी हो, किसी को शेविंग सीखनी हो भाई, जैसी कटिंग सीखनी हो, सभी वीडियो का लिंक है। और भाई चैनल पर भी सारी वीडियो है, तो भाई जाके देखो और भाई कमेंट करके बताओ अगर हमारी कोई गलती हो। और भाई अगर हमसे कुछ सीखने के लिए मिलता है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई नई नई वीडियो आती रहती हैं। कैंची है तो फालतू के बाल है उनको काट लेंगे, ज़्यादा अंदर नहीं लेके जानी है कैंची को, अगर अंदर लेके जाओगे तो भाई मिलाई ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे रखनी है, तो भाई आप नीचे की तरफ चाहो तो जीरो नंबर का ट्रिमर लगा सकते हो जो बिल्कुल जीरो होता है, लगा देता हूँ। इसको ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, बस नीचे नीचे लगाना है। ऐसे अच्छे से साफ़ कर देनी है भाई, ताकि ऐसा लगे भाई नीचे उस तरह से काम किया गया फिर ऊपर मिलाई हो रही है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर कैंची से कट लगा लेंगे, कई बंदे जो उस तरह से कट लगवाते हैं तो भाई कैंची से लगा लो ताकि अच्छे से मांग निकल जाए। भाई जो हमारा मिलाई का काम है वो हो गया है पूरा, और भाई अभी हम करने वाले हैं ऊपर की बालों की कटिंग। तो भाई थोड़ा सा पानी मार लेंगे इनमें ताकि भाई ये हमारे कंट्रोल में आ जाए। कई बंदों के बाल भाई चूर मिट्टी में बहुत ज़्यादा रफ होते हैं, तो अभी भाई ध्यान से देखना कैसे काटते हैं बालों को स्टेप बाय स्टेप। तो भाई पहले हमें आगे के जो है थोड़े से बाल उठाने हैं, और भाई जो अगली दो फिंगर होती है भाई इनके बीच में हमें बाल को लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इनको लेंगे और यहाँ से इसको लगा के ऊपर की तरफ उठा देंगे। तो भाई जैसे यहाँ पर छोटे हैं यहाँ पर बड़े हैं तो भाई इसको बराबर कर देंगे। और भाई जैसे ये बाल ले रखे हैं तो भाई इसको ऐसे कैसे होल्ड करके अभी हम आगे बाल लेंगे। तो भाई यहाँ पर बाल छोटे और यहाँ पर बड़े हैं तो भाई इनको फिर से बराबर कर देंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप काटना। मान लो जैसे हमने यहाँ पर बाल काटे हैं तो भाई इनमें से थोड़े से बाल हमको यहाँ पर भी लेने हैं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई हमें कितने छोटे बाल करने हैं। अभी हम इसको भी बराबर कर देंगे, तो फिर हम थोड़ी सी और आगे की तरफ जाएंगे और इन बालों को लेंगे ऐसे, यहाँ पर इनको भी काट देंगे।
ऐसे ही भाई थोड़े थोड़े स्टेप में लेकर बालों को, तब हमें इनको काटना है, तो बाल बहुत अच्छे से कटेंगे और भाई सारे बाल बराबर आएंगे। कई बंदे भाई जैसे मैं काट रहा हूँ वैसे काटते हैं, कई बंदे भाई साइड में खड़े हुए काटते हैं, तो भाई वैसे भी काट के दिखाऊंगा। तो भाई एक तरीके से तो हम ऐसे बराबर कर देते हैं, फिर एक तरीके से हम ऐसे बराबर करते हैं। जो एक बुद्धि के पीछे के बाल होते हैं भाई, इनको छोटे करते हैं और आगे जाते जाते वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो भी वैसे काटेंगे भाई, मान लो जैसे हमने यहाँ से तो कर दिया क्लियर, और अभी हम यहाँ से करेंगे। तो भाई जैसे इन बालों को हम यहाँ से पकड़ेंगे, तो भाई देखो सारे बाल बराबर आएंगे, जो थोड़े बहुत छोटे पड़े हैं उनको भी हम बराबर कर देंगे। देखो यहाँ पर छोटे हैं, यहाँ पर छोटे हैं, ये बड़े हैं बाल, भाई इनको हम बराबर कर देंगे। तो ये भाई ये वाले बाल बड़े हैं और ये छोटे हैं, तो भाई ऐसे काटते हैं कई बंदे, जैसे यहाँ पर छोटे होते हैं और यहाँ पर आगे जाते जाते वो बड़े हो जाते हैं, ताकि भाई जब ड्रायर वगैरह लगवाता बंदा तो भाई फिर वो बाल अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे काटते हो, कैसे आपके कस्टमर को कटवाने हैं। आगे के भाई मैं सिर्फ बराबर करूँगा, तो अभी हम कंघे करके देखते हैं कोई बाल बड़े छोटे तो नहीं है। तो भाई सभी बाल बराबर हैं, तो अभी हम लगाएंगे साइड में उस तरह तो भाई अभी हम साइड में रेजर लगाएंगे। तो भाई ध्यान से देखो रेजर कैसे लगाते हैं। तो भाई अभी हम इसमें उस तरह डाल लेंगे, भाई मैंने पहले ही वीडियो डाल रखी है कि भाई रेजर में उस तरह कैसे, मतलब रेजर में ब्लेड कैसे डालते हैं, तो भाई ध्यान से देखना। तो भाई यहाँ पर एक लोग होता है इसको खोल लेंगे, और यहाँ की इस साइड ये पे थोड़ा स्पेस होता है, तो भाई यहाँ पर हम नेल को देंगे अपने, तो इसको उठा के साइड में रख देंगे। और अभी भाई इसको वॉश कर लेते हैं, और अब डाल लेंगे इसमें भाई नया ब्लेड। तो भाई यहाँ पर जो लोक है ये ब्लेड का यहाँ पर जो निशान होते हैं, तो भाई यहाँ पर इसको रखेंगे ऐसे, तो उठा के थोड़ा सा आगे से प्रेस कर देंगे, ज़्यादा नहीं कि भाई उंगली में लग जाए, भाई थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये बराबर हो जाए, फिर इसको कर देंगे बंद, ठीक है। तो भी लगाते हैं कटेंगे, तो भाई यहाँ पे हमें मिलाई करनी होती है। तो भाई अगर ज़्यादा ऊपर लोगे तो भाई यहाँ पर एक नोक बनती है, वो नोक नहीं बनेगी, तो भाई नीचे की तरफ से ही लेना थोड़ा यहाँ से। ऐसे यहाँ पर हमें गोलाई बनानी है, भाई यहाँ पर जो नोक बनती है उसको बना लेते हैं अभी। उस तरह चलाते टाइम गाइज आपको ना ये ध्यान देना है कि भाई जहाँ पर आप उस तरह चलाओ वहाँ पर आप खाल को खींच के रखो, जैसे मैंने इस तरफ उस तरह चलाया तो मैं खाल को इस तरफ खींचूंगा ऐसे। भाई यहाँ पर ऐसे नोक बनती है, कई बार ऐसे बनती है, कई बार ऐसे बनती है टेडी, भाई वो कटिंग के हिसाब से देखना पड़ता है कैसे बननी है। भाई जैसे यहाँ पर जीरो स्लोप में कटिंग करी थी, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े बाल बड़े हैं, तो भाई इनको कर देंगे बाद में छोटे, थोड़ा सा पीछे की तरफ से करेंगे हम, यहाँ से खालों खींच लेंगे भाई, फिर लगाएंगे उस तरह, यहाँ से भी हम खालों खींच लेंगे, फिर हमें आगे काम करना भाई, जहाँ पर भी उस तरह चलाना वहाँ पर हमें खाल को खींच के रखना है।
ताकि भाई बंदे को उस तरह लगे भी ना, और भाई खाल खींचने के बाद अच्छे से चलता है उस तरह। जैसे भी हमने इस तरफ किया है तो भाई वैसे ही हम परली तरफ भी करेंगे। तो भाई जैसे हमें इस तरफ भी गोलाई बनानी पड़ेगी और भाई यहाँ पर नोक भी बनानी पड़ेगी, तो भी हम यहाँ से ऐसे खाल को खींचेंगे ऊपर की तरफ और फिर इसको करेंगे गोलाई। भाई गोलाई कैसे बनाते हैं, हमको यहाँ पर जैसे हमारा ये हाथ है यहाँ पर रोकना है और भाई उस तरह को ऐसे घुमाना है, ऐसे हाथ को यहीं पे स्टेबल करना है, हाथ को यहाँ पे रख के उस तरह गोल में घुमाना है, तब मेरी अच्छे से गोलाई बनेगी। और बात किया भाई यहाँ पर नोक की बात, तो भाई नोक हम यहाँ से ऐसे करके कर लेना है और भाई यहाँ से कान को खींच के यहाँ पे पीछे की तरफ उस पर लगाना है। तो अभी भाई पीछे की तरफ लगाएंगे गुद्दी पे, उस तरह को भाई बहुत ही ज़्यादा हल्के तरीके से पकड़ना है कि भाई हाथ में से ना गिरे और अपना कंट्रोल भी हो उस तरह पर। तो भाई अभी यहाँ पर लगाएंगे हम कट मांग में, जो बंदा जिस तरफ मांग को निकालता है भाई उस तरफ कट लगवाना अच्छा लग रहता है, मांग निकालने में भाई आसानी होती है। तो भाई अभी हम यहाँ से कंघी से कर लेंगे मांग को सेट। तो भी भाई यहाँ पर लगाएंगे कट, बट भाई बहुत चौड़ा ही लगाना है कि भाई अगले बंदे को कंघी करने का मन भी नहीं करेगी, भाई इस साइड से कंघी कर लो। तो ये भाई देखो एक ठीक ठाक कट लग चुका है और भाई जो हमारी कटिंग का लुक कुछ ऐसा है। वीडियो पसंद आई है और भाई कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और भाई कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।